नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इसमें ट्रांसमिशन रेट चल रहा है, ट्रांसमिशन का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे नीट का पेपर चाहे बोर्ड पेपर सभी पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसे स्टार्ट कर इसके पहले सबसे पहले इससे क्या फायदा होता है, हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। इसे शेयर कर इससे क्या फायदा होता, जो आप दूर प्रतिशत बैठे होते उनके पास तो बच्चों की वीडियो पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि पिछले हेडिंग चल रहा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन माने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारण, तो उसमें हमने बताया था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में वह कारक में कि माने दो कारक काम करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर। तो वह कारक में पहला होता है एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो है ये हो चुका था। अगला होता नंबर दो होता तापक्रम होता है, वो तापक्रम या उसे हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं टेम्परेचर। अब होती तापक्रम, तो वायुमंडल के तापक्रम का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वो जब वाष्पोत्सर्जन माने सीधा प्रभाव पड़ता है, जिस समय टेम्परेचर ज्यादा हुआ क्लाइमेट का, उस समय रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है बढ़ जाता जो है वो, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो घट जाता है। वो माने क्या मतलब, यह वाष्पोत्सर्जन की दर को जो होता है इनडायरेक्ट बेस माने टेम्परेचर जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को इनडायरेक्ट बेस से प्रभावित करता है। वो अब होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जब अधिक तापमान में वायुमंडल का दाब जो होता है बढ़ता है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो तीव्र गति से होती है और तापक्रम में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता में गिरावट या कमी आने लगती है वो, और वाष्पोत्सर्जन सतह से अधिक मात्रा में जल का वाष्पीकरण या क्षय हो जाता है वो, और तापक्रम के वृद्धि एवं न्यूनता का प्रकाश पर नियंत्रण होता है वो। तापमान के बढ़ने से जल के वाष्पीकरण में जो क्या हो जाती है वो वृद्धि हो जाती है वो, और इसके फलस्वरूप वाष्प दर में वृद्धि हो जाती है और वाष्प का डेंसिटी वायु में कम होने से पत्ती एवं वायुमंडल के मध्य जो वेपर प्रेशर होता है वह प्रवणता तीव्र हो जाती है वो, और वाष्पोत्सर्जन दर में क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है वो। अब होता है अगला आता है नंबर वन, सेकंड हो गया, नंबर थर्ड आता है लाइट होता है वो, नंबर थर्ड लाइट या प्रकाश। तो वाष्पोत्सर्जन का प्रकाश पर सीधे प्रभाव पड़ता है वो, प्रकाश माने की लाइट का जो होता है वो सीधे प्रभाव ट्रांसमिशन पर पड़ता है जो है वो। प्रकाश की उपस्थिति में मेसोफिल सेल्स से जल का वाष्पीकरण होता है, माने पत्ती जो मेसोफिल सेल होती हैं उससे क्या होता है वाष्पीकरण होता है वो। अधिकांश पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलते हैं, इसके विपरीत रात्र में वाष्पोत्सर्जन प्रकाश की उपस्थिति में बहुत धीमी गति से या नहीं होता है वो, परिणाम स्वरूप जो होता है स्टोमेटा क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं वो। रंध्र कम प्रकाश की तीव्रता माने 50 से 100 फीट वुड कैंडल पर या चंद्रमा की मध्यम जो होता है मध्यम रोशनी में खुल जाते हैं वो, और रंध्र के खुलने में सर्वाधिक रूप से सहायक लाल तरंगदैर्ध्य होती है वो, माने लाल तरंगदैर्ध्य जो होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है स्टोमेटा के खुलने के लिए जो है वो। अब होती है कि इसके अलावा इससे अपचल कम प्रकाश का नीली तरंगदैर्ध्य होता है वो, जिसका वेवलेंथ जो होता है 445 माइक्रोन होता जो है वो। प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि में वृद्धि पर तापमान भी पड़ता है वो, इसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि हो पाती है वो। प्रकाश कोशिका जो होती है वो झिल्लियों की पारगम्यता पर क्या होता है ये निर्भर होता जो है वो। अब होती है नंबर चार होता है विंड ब्लास्टी माने वायु का वेग। जब वायु की वेग की बात करते हैं तो जब वायु चलता है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है बढ़ जाता है वो। बढ़ क्यों जाता है वो, क्योंकि जो ट्रांसमिशन द्वारा जो वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर पत्ती पर आई होती है वह एयर द्वारा हटा ली जाती है वो, इसलिए रेट बढ़ जाता है वो। लेकिन अगर झंझावत चलती है उसमें रेट जो होता है घट जाता है वो, झंझावत होने पर रेट जो होता है वो घट जाता जो है ये। अब होती है नंबर फिफ्थ होता है अवेलेबल सॉयल वाटर। अगर सॉयल में वाटर की मात्रा प्रॉपर अमाउंट अधिक मात्रा में है वो,
तो रेट जो होता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है वो। लेकिन अगर सॉइल में वाटर की मात्रा कम होती है तो रेट जो होता है ट्रांसफर रेट जो होता है वो घट जाता है वो। अब होती अगला है, अगला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर सिक्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी हिंदी होती वायुमंडलीय दाब। अधिक ऊंचाई के क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब माने अधिक ऊंचाई क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है वो, और इसके परिणाम स्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो अधिक हो जाती है। इसी कारण से ऊंची पहाड़ी पर भी माने कि ज्यूरोफिटिक प्लांट्स मिलते हैं वो, माने इसीलिए जो होता है ऊंची पहाड़ी पर क्या होता है वो ज्यूरोफिटिक प्लांट्स मिलते हैं जो है वो। अब होती है नंबर अगला होता है नंबर सेवन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्रासित कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता रंध्रों के खुलने का प्रेरणा देती है वो, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी में जब रंध्र बंद होने के लिए क्या होता तो प्रेरित होते हैं जो है वो। माने ह्रासित कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टोमेटा के खुलने की प्रेरणा देते हैं वो, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में बढ़ोतरी में जो होता है रंध्र बंद होने के लिए क्या होता है प्रेरित होती है वो। तो ये रहा किसके बारे में, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया जो है वो। अब होता है अगला होता है इंटरनल फैक्टर्स या इसकी हिंदी होती आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में आता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जब लीव की बात करते हैं तो लीव का सरफेस जितना ही अधिक चौड़ा होगा जो है वो उतना ही रेट ट्रांसफर रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है वो। जब एरिया ज्यादा होगा तो रेट ट्रांसफर रेट जो होता है बढ़ जाता है वो। इसीलिए जो ज्यूरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है उनमें कांटे पाए जाते हैं वो, माने क्या मतलब उनकी पत्तियां जो होती कांटे में बदल जाती जो है वो, कांटे में कन्वर्ट हो जाती है वो। इसलिए जो होता है जब कांटे में कन्वर्ट हो जाएंगी तो रेट ऑफ ट्रांसफर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है वो घट जाता है वो। अब होती है अगला होता है कि एज ऑफ प्लांट्स, नंबर सेकंड होता है एज ऑफ प्लांट्स। जब एज ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है अंकुरित बीज वाष्पोत्सर्जन की धीमी दर को दर्शाता है वो, और जो कि परिपक्वता के स्थिति में जो होता अधिकतम होता है वो, जबकि जीर्णावस्था में जो होता है वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो घट जाती है वो। माने इस केस में क्या होता है अंकुरित बीज जो होता है वाष्पोत्सर्जन की धीमी दर को दर्शाता है वो, जो परिपक्वता की स्थिति में अधिकतम होता है वो, और जबकि जीर्णावस्था माने ओल्ड एज में वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है क्या हो जाती है वो घट जाती है वो। नेक्स्ट होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, और इसकी हिंदी होती है प्ररोप पर पत्तियों का अभिविन्यास। ये पत्तियां जो होती हैं प्ररोप पर अनुरूप रूप में व्यवस्थित होती जो है वो अंतस्थ व्यवस्थित होती है वो, तो उस केस में क्या होता है अधिक जल की हानि करती है वो, क्योंकि वह प्राप्त सूर्य के प्रकाश में होती हैं, और जो पत्तियां लंबवत रूप में स्थित होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन अधिक धीमी गति से जो होता है वो संचालित होता जो है वो। तो ये रहा किसके बारे में, ये रहा दिस ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन, जो कि एग्जाम में बच्चों जो होता है ये पूछा जाता है वो। नेक्स्ट हेडिंग आता है गटेशन या बिंद श्रावण, या इसकी हिंदी होती है बिंद श्रावण, गटेशन या बिंद श्रावण होता है वो। तो इसको अगले टर्न पढ़
बात करें बच्चों आपसे, इतने पर्याप्त आज के लिए, इसको लाइक करने के लिए धन्यवाद।